दरबार साहिब आए श्रद्धालुओं के नाल लुट का मामला सामने आया। जानकारी मुताबिक किया जा रहा है कि कलकत्ता तो श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए दरबार साहिब आए थे ते जदों यह आटो दे विच बैठ के अपने होटल दे वल जा रहे थे तां किया जा रहा है कि आटो वाले ने होटल लेके जाने की बजाय अपने ऑटो नूं किसी सुनसान थां दे उत्ते पा लिया अते उत्ते जाके दातर दी नोक ते 50,000 रुपए का फोन अते 20,000 रुपए की नकदी लुट्टी गई है। तो दुखी हुए श्रद्धालुओं के वलों हुण इस दी शिकायत पुलिस नूं भी दर्ज करवाई गई है। जानकारी मुताबिक इत्थे ही बस नहीं सगो जो लुटेरे सी उन्हां दे वलों दातर दी नोक दे उत्ते जो बैंक दे पासवर्ड सी ओ भी नोट कर ले गए ने। हालांकि किया जा रहा है कि उस दे विचों दी भी पैसों का लेन देन उन्हां दे वलों कीता जा रहा है। तो दस दिए कि लुट दी वारदात नूं अंजाम दिता गया। दरबार साहिब दे विच कलकत्ता तो श्रद्धालु नतमस्तक होण दे लई पहुंचे सी पर किया जा रहा है कि जदों ओह अपने होटल दे विच जाण दे लई इक ऑटो लिया ਤਾਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਤਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 50,000 ਦਾ ਫੋਨ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਰਾਉਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪ? ਹਮ ਕਲਕੱਤਾ ਸੇ ਆਏ ਹੈਂ। तो कितना नुकसान हुआ देर रात से आपका? हम लोग का जो मेरा दोस्त बोला अभी, हम लोग मेरा तो 2,000 तक कैश नुकसान हुआ, फोन गया। और अभी सुनने सुबह में हम फोन एक को सिम खरीदे हैं, सुने पापा को फोन करके कि उसमें से अभी अकाउंट से 10,000-16,000 करके ऐसे करके ट्रांजेक्शन हुए। अभी तो पूरा जानकारी नहीं मिला है। अभी फोन लिए, देखेंगे जाके फोन वोन करके पता करेंगे, फिर जा रहे अभी सीपी मैडम के पास जाके रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा मदद कर दीजिए, हम लोग दूर से आए हैं। आपके फोन से ट्रांसफर हो चुके हैं अभी तक? पहले 10,000, फिर 16,000 हुआ है, फिर अभी पूरा पता नहीं है, पापा भी चेक कर रहे बैंक में बैठे हुए, अभी पूरा करके फिर हमको बता रहे हैं हम लोग। फिर मैं हुगली कोलकाता का रहने वाला हूँ और हम यहाँ घूमने आए थे, हम गोल्डन टेंपल का दर्शन करने आए थे। उसके बाद हमें वाघा बॉर्डर जाना था, पंजाब से निकल के हमें फिर हरिद्वार जाना था, जहाँ उसके बाद हमें वहाँ रह के वहाँ से निकल के हमें जाना था दिल्ली। दिल्ली से हमारी ट्रेन, उसके टिकट हमारे फ़ोन में है। अब उस टिकट का भी कोई पता नहीं, कोई फ़ोन का भी पता नहीं, अभी देख रहे हैं आगे क्या कर सकते हैं। दिल्ली से हमें घर जाना था। हुआ क्या, कहाँ से आप ही रिक्शे में बैठे थे? अमृतसर स्टेशन, अमृतसर स्टेशन से हम उठे थे, हमें जाना था गोल्डन टेम्पल के पास में कोई भी होटल में। और क्योंकि होटल ये जो गाड़ी वाले हैं ये लोग जाते हैं और इनका कमीशन सेट रहता है, ये इजीली दिला देते हैं, इनके पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं। तो हमने कहा चलो चल लेते हैं, दो दिन की बात है, रह लेंगे। लेकिन हमारे साथ जो हुआ, हमें ईस्ट मोहन नगर में ले जाकर जो लूटा गया अभी दातर की नोक पे, ये बहुत बहुत ही शर्मनाक वाक्य है। क्योंकि ऐसा हमने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा, वो भी सरदारों की नगरी में, और एक सरदार ऐसा कर जाएगा। आपके साथ कितना सामान था आपको? हमारे साथ एक ट्रॉली थी, एक पीठ वाला बैग था, इनके पास एक टूरिस्ट वाला बैग था जो ट्रैकिंग पे यूज करते हैं, इनके पास एक पीठ वाला बैग था और एक साइड लगेज का बैग था। और इनके लगेज में करीबन 18,000 रुपए थे, इनके पास पॉकेट में 2,000 रुपए थे, मेरे पॉकेट में, मेरे पर्स में 10,000 रुपए थे। लेकिन क्योंकि इनके पॉकेट से उन्होंने पैसा निकलते हुए देख लिया तो उन्होंने मेरी पूरी तरह से शिनाख्त नहीं की, तो हम तो बच गए और अभी जो पैसा है उससे गुजारा कर रहे हैं और बस उम्मीद कर रहे हैं कि मदद मिले। तो कितने का नुकसान हुआ देर रात? करीब करीब हमारे 50,000 से 60,000 का फोन गया, 20,000 इन कैश गया। आज सुबह सुबह जो हमें रिपोर्ट मिली है कि हमारे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, अंदाज लगा सकता हूँ कि उसमें भी 50,000 का नुकसान हुआ है। तो पासवर्ड कैसे पता चला? उन्होंने हमारे गर्दन पे दातर लगाया और दातर की नोक पे हमसे हमारा फोन खुलवाया और उस अनपढ़ थे कि मैं उन्हें कोड बता रहा हूँ 19, तो वो लिख रहे हैं 91। और उस सरदार जी उस फोन, अपने फोन में वो सारा का सारा फोन का पासवर्ड नोट कर रहे थे डायल पैड पे, तो हमें यकीन हो गया कि ये सरदार जी भी उनके साथ मिले हुए हैं। जैसे आप वीडियो में देख पाएंगे कि वो अपना मुंह, जब उनका चेहरा हम हमारी फोन की तरफ आता है, वो अपना मुंह छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। और उन लोगों ने जो ये किया, ये मेरे साथ हो गया, हम तीन बैचलर्स हैं, जैसे तैसे भगवान की दया से हम तो बच गए। किसी फैमिली वाले के साथ ना हो जाए, किसी बहन के साथ ना हो जाए, किसी बेटी के साथ ना हो जाए, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ।